विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगने के बाद अब आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले एक नेताजी के खिलाफ वैशाली नगर थाने में SHO ने केस दर्ज करवाया। वैशाली नगर थाने के AKSI के एक केस की जांच कर रहे हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे नेता आशु सिंह और उनके समर्थकों ने बिना इजाजत के केसर बाग मैरिज गार्डन में आयोजन रखा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस बार से जब आयोजकों से इजाजत होने की जानकारी मांगी गई तो वे टाल मटोल करने लगे। अब उनके खिलाफ 188 IPS और 46 RNS एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। कौन है आशु सिंह सुरपुरा? चुनाव जीतने तक जूते नहीं पहनने की शपथ ली। दरअसल आशु सिंह सुरपुरा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वे इस चुनाव से हार गए थे। चर्चा थी कि इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने पर मन बना चुकी थी और इसी को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन इसी दौरान न तो आशु सिंह को टिकट मिला और न भाजपा के पूर्व MLA राजपाल का टिकट भी कट गया। अब टिकट सांसद राज्यवर्धन सिंह को दिया गया है और उन्होंने क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पिछले के अंत में आशु सिंह और उनके समर्थकों ने यह आयोजन किया और इसमें वे अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख सके और फूट फूट कर रोए। उन्होंने निर्दलीय लड़ने की भी तैयारी कर ली और अब चुनाव नहीं जीतने तक जूते नहीं पहनने की शपथ ली।